सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उन्हें अब घर पे या आश्रम में उन्हें चले जाना चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी को कहा जाता है विवादों का सम्राट, यानी सम्राट चौधरी, ठीक है। वो जो पगड़ी अपने माताजी के श्राद्ध में जो बांधे हुए थे ना, इस तरह से उनका जो सोचने समझने का जो शक्ति है वो नस दब गया है, इसलिए इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बुद्धि और विवेक और उनके कार्य कुशलता को बिहार ही नहीं पूरा देश मानता है, उनको वो इस तरह के कहते हैं। अगर जो इस स्थिति है तो उनको सबसे पहले समझना चाहिए सम्राट चौधरी की कि उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है। वो तो इंतज़ार करें कि उनका राजनीतिक स्थिति 2025 में जो है ना, जिस तरह से बीजेपी आउट होगी ना, वो आउट होने के बाद वो अपने जो कहेंगे कि हम जो है राजनीतिक स्थिति से देखते हुए नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हम 2025 में वो इस्तीफा ले लेंगे और 5-6 महीना अध्यक्ष बने हुए हैं उतना बने रहे हैं। बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 5 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया और 1 बार लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वो तो अपने पिताजी को भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, सम्राट विवादों के सम्राट हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अपने पिताजी का भी कह सकते हैं कि हम ही उनको मंत्री विधायक बनाए हैं, ठीक है। उनके पिताजी थे ना 2015 में, जिम्मेवारी लेकर के और इस्तीफा दिए ना, हम के अध्यक्ष बने थे और स्थिति ऐसा हुआ कि हम हार गया सब जो, तो राजनीतिक रूप से अध्यक्ष पद तो छोड़े ही, राजनीतिक रूप से भी वो संन्यास ले लिए राजनीति से। उसी तरह से उनका स्थिति होने वाला है। सम्राट चौधरी जी का इस तरह से बयान दे करके वो अपना राजनीतिक हाशिए पर जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के लायक नहीं है, उन्हें अब गद्दी से उतर जाना चाहिए। ये तो बात मोदी जी पर भी लग रहा है, वो भारत में के प्रधानमंत्री लायक नहीं है, उनको गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। और चिंता न करें, आने वाला जिस तरह से बिहार को भाजपा यहाँ से गद्दी से भगाया गया है ना, सरकार से भगाया गया ना, 9 अगस्त को जिस तरह से सरकार से बाहर गया, 10 अगस्त को अपने कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हुए थे, आने वाला 2025 में जो है ना भारत जो है भाजपा मुक्त होने जा रहा है, इसको लेकर के ये लोग व्याकुल है, लोग हताशा है। और सम्राट चौधरी जिस तरह से RSS का सर्वे आ रहा है, उस तरह से बीजेपी को बिहार में शून्य पर दिखाई दे रहा है, इसके हताशा में वो पड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि 2024-25 में महागठबंधन जो है शून्य पर आउट हो जाएगी, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री बनेगा, फिर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो सुनिए ना, उनके पास सोचने समझने का इतना अगर जो शक्ति रहता है ना, तो क्यों नहीं है, काहे क्यों 38 दल का गठबंधन क्यों बना लिए हैं, 38 दल का गठबंधन क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बीजेपी अकेले लड़ा, जब इतना बड़ा उनका पावर था तो अकेले लड़ लेना चाहिए। 38 दल का गठबंधन ये दिखा रहा है कि बीजेपी हताशा और निराश है। और सम्राट चौधरी को कौन पूछे, सुशील मोदी को कौन पूछे, उन लोगों का साह तनाशाह का देख लीजिए क्या स्थिति हो रहा है, संसद में तक जाने नहीं, जो बात बात पर बोलने वाले मोदी जी, आज स्थिति हो रहा है कि संसद में बोलने के डर से भाग रहे हैं, इसलिए इस तरह का बातों का कोई औचित्य नहीं रहा। और सम्राट चौधरी का बात वो सिर्फ बोलने के लिए है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। आने वाला चुनाव में वो जो बीजेपी है वो लोकसभा में 0 पर आउट हो भी करेगी, और विधानसभा 2015 में ये लड़ चुके हैं मोदी जी, देख चुके हैं कि क्या नीतीश कुमार जी का औकात है, इसलिए इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी सिर्फ अपने आकलों को खुश करने की जरूरत है, लेकिन जब परीक्षा का समय आने वाला है 24 में, उसमें ये 0 पर आउट होंगे। क्या लग रहा है कि 2024 में सम्राट चौधरी और बीजेपी को आपको उखाड़ फेंकिएगा? अरे ये लोग अपने उखड़े हुए हैं आज के डेट में, और सम्राट चौधरी कहाँ हैं जी, सम्राट चौधरी का तारापुर अपना विधानसभा में स्थिति ये हुआ कि वहीं से नहीं हारे हुए हैं, उनके पिताजी हारे हुए हैं, वहाँ से हमारा जदयू का उम्मीदवार जीता हुआ, और ये भरसक कोशिश की हराने के लिए एक साथ रह करके भी ये पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं लोग, ये लोग का क्या स्थिति है। और तारापुर में अपने अपने पहले क्षेत्र में तो जीता लें, अपने विधानसभा में तो जीता लें, एक प्रोग्राम तो कर लें, वहाँ का हमारा जो विधायक है वो एकदम एकमुश्त और ताली ठोक करके जो है जीतता है, तो इसलिए बीजेपी का जो है, बीजेपी एकदम डरपोक पार्टी है। इन लोगों के पास जिस तरह से आज तक हवा बना कर रहे हैं, जिस तरह से धर्म के नाम पर, जिस तरह से शमशान कब्रिस्तान पर, जिस तरह से टीका टोपी पर बात करती है, अब देश की जनता जान चुकी है और इसलिए इनको निकार कर रही है। क्या बिहार में जंगल राज पार्ट 3 आ गया, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं? वो तो है ही है, वो जाके उत्तर प्रदेश में है ना, किस तरह का राज है उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जा करके आप यति में मध्य प्रदेश में देख लीजिए, और मणिपुर में कितना है ना सरकार उनका, मणिपुर में कौन राज आया है, कौन राज है मणिपुर में,
जहां मुख्यमंत्री मान रहा है कि ऐसे 100 से ज़्यादा घटनाएं घटी हुई हैं, शर्म नहीं आता है इन लोगों को बोलने में इस तरह का बिहार के बात में, बिहार के यहां बेटियों का देश में उदाहरण है कि पंचायती राज में ज़्यादा 50% आरक्षण मिला है, सबसे ज़्यादा बेटियों का अधिकार अगर बिहार ही देने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही देने वाला है, इस तरह का बात बोलने के पहले सम्राट चौधरी को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन वो तो फर्जी डिग्री के आधार पर जो अपना लिख रहे हैं, आज तक वो तो डिग्री तक दिखाते नहीं रहे, हमारे मांग होते रहा गया लेकिन किस स्कूल से किस कॉलेज से पढ़े हैं उसका तक चर्चा नहीं किए, इसलिए सम्राट चौधरी की बात को कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कैसे इसको देख रहे हैं? ये न्याय का जीत है। जिस तरह से भाजपा उनको फंसाने का कोशिश किया है, जिस तरह से अपने अडानी या अंबानी मित्रों को बचाने का कोशिश किया है, और उसके बाद भी एक देश में शख्स हैं जो लोकसभा में बोलते थे उनको बोली को बंद करने के लिए इस तरह से किया गया, लेकिन कहा जाता है देर हुए, लेकिन अंधेर नहीं है, उसी तरह से न्याय का जीत है। और ये देश जिस तरह इंडिया एलायंस आज देश में जिस तरह से अपना विपक्ष के रूप में जोरदार प्रदर्शन कर रहा है, और आने वाला 2024 में इंडिया एलायंस के तहत ही सरकार बनेगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।